गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल बच्चों। परमात्मा करे तुहाडा दिन खुशियां भरिया होवे, तुसी तंदुरुस्त रहो, सुरक्षित रहो और अपने वड्डियां दा आदर भी करो। बच्चों, सवेरे उठ के तुहानू परमात्मा दा नाम लेना चाहिदा है और तुहानू सब दा भला मंगना चाहिदा है। तो आपां शुरू करदे हाँ अज पंजाबी दी क्लास विच व्याकरण दा अगला टॉपिक। बच्चों, अज आपां विशेषण दे बारे पढ़ांगे। व्याकरण दे टॉपिक आता है साडा। इस चित्र विच देखो, मोटा आदमी काले कुत्ते नूं सैर करवा रहा है। उसने लाल कोट पाया है। दूजे चित्र विच राजन, ए काला कुत्ता बहुत ही सुंदर है। ये दो चित्रां राही और इन्हां दी गलबात राही सानू पता लग रहा है कि इहदे विच मोटा, काले, सुंदर, लाल आदि शब्द कुत्ते ते आदमी दी विशेषता दस रहे हैं। इस तरह ये शब्द किसी नाव जां पड़नाव दी किस पक्खों विशेषता प्रगट करते हुए उन्हां नू आम तो खास बनाते हैं, उन्हां नू विशेषण आखते हैं। विशेषण हुंदा है नाव जां पड़नाव दी थां ते वरते जाण वाले शब्द जिहड़ी उस दी विशेषता नू प्रगट करन और उन्हां नू आम तो खास बनाउन, उन्हां नू विशेषण आख्या जांदा है। विशेषण दीआं किस्मां, विशेषण पंज प्रकार दे हुंदे हन। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्रमाण जां गिनतीवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण और पड़नावी विशेषण। ए इस दी व्याख्या है, जिहड़े शब्द नाव अते पड़नाव शब्दां दा किसी भी पक्षों विशेषता प्रगट करन उन्हां नू विशेषण आख्या जांदा है। विशेषण शब्द दे पढ़न तो ही सानू ये भाव समझ आता है कि विशेष यानी कि किसी शब्द दी विशेषता दसी जा रही है, किसी चीज़ बारे विशेष दसिया जा रहा है। गुणवाचक विशेषण पहला है, ए साडा नवा घर है, ए अंब मिठा है। इहदे च मिठा नाव, नवा ते मिठा नाव, घर अंब दी विशेषता दस रहा है, इसलिए ए दसदे होए ए कारण दस रहा है विशेषण का। यह किसी वस्तु की विशेषता नूं प्रगट करने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण होंदे हैं। जिवें सीता ने काली ऐनक लाई है, यह वड्डा गमला है। इन्हां वाकां विच काली ते वड्डा गुणवाचक यानी कि ए सीता ने काली ऐनक, ऐनक की विशेषता है काली, गमले की विशेषता है वड्डा है। संख्यावाचक विशेषण